हमारे परम आदरणीय कांग्रेस सहलाबाद हल्के से प्रत्याशी चौधरी भट्ट सिंह जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। साथियों, जो आपने थोड़ी देर पहले आदेश दिया और जो फैसला सुनाया, उसी के हिसाब से आज हमारे बीच चौधरी भट्ट सिंह जी बेनीवाल पहुंचे हैं। तो मैं आपको और आपकी दिल की भावना समझते हुए मैं चौधरी भट्ट सिंह बेनीवाल को कहना चाहूंगी कि जो आज सामने बैठा है वो एक कार्यकर्ता नहीं, वो एक अलाहाबाद की आन बान और शान और मेरा परिवार है। मैं आपके परिवार की सदस्य हूं। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मेरे से पहले इनका मान सम्मान करोगे तो मैं आपके साथ हमेशा से कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का काम करूंगी। नहीं विधायक जी, एक बात कहना चाहूंगी, आपके घर की कड़क खाई है खिलाफत करती और मेरे परिवार की अंतर की करती तो थारे खिलाफ इधर ही बिछा दूंगी, क्योंकि जबकि विपक्ष में खड़ी जो पार्टी से आगे लड़ सका तो जे अलाहाबाद हल्के पर आ चाहेगी तो और भी लड़ सका। तो मैं चौधरी भट्ट सिंह जी बेनीवाल को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ठीक है कि जो हमारी पार्टी ने पार्टी एक है और जो पार्टी ने फैसला देके हमारे बीच आपको भेजा है तो ऊपर से पार्टी का भी आदेश है, पार्टी का हाईकमान का भी आदेश है और हमारी नेता बहन कुमारी सहजा जी का भी मेरे पे सिर पे यही आदेश दिया है उन्होंने कि आप संतोष जी पार्टी के साथ खड़े रहो। और शीर्ष नेतृत्व का भी मैसेज है, हम आज आपके साथ तन मन धन से आपके साथ चलने को तैयार हैं। कहीं भी आपकी जुबान कच्ची नहीं होने देंगे, कोई भी किसी तरह की, बस मैं तो आपको बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे सामने बैठे हैं ये मेरा परिवार है, इस पे कभी आंच ना आए। बस इसी के हिसाब से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये दिल के साथ, दिल की गहराइयों से आपके साथ चलेंगे तो इनके मान सम्मान में कभी भी आंच मत आने देना, क्योंकि आज जो बात है वो अहलाबाद हल्के की बात है और अहलाबाद हल्के की बात आई तो मैंने सब कुछ अहलाबाद हल्के पे नौछावर कर दिया और मैं आपको आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मैं तारा हूँ, बहुत बहुत सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ और संतोष बेनीवाल जी जो पिछले काफी समय हो अपने बीच में मेहनत करन लाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत करन लाग रहे हैं और आज कांग्रेस परिवार एक मजबूती हो आगे चले हो नए सिरे हो सारा कार्यकर्ता सारा साथी आज थे इकट्ठा हो आज वो संदेश गांव गांव तक जानो चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक है, अठे कोई गुट को नहीं परिवार एक है, कांग्रेस पार्टी को परिवार भी एक है। आपने
कांग्रेस पार्टी चौधरी भरत सिंह बैनीवाल जी ने अपने बीच में नुमाइंदा बना के भेजे है, आने विपक्षी पार्टियां रोकण खातर कांग्रेस ना जीत जे किता समझौता किता गठबंधन करने लाए थारे मुंह आके जो इनेलो पार्टी आपने अभय सिंह चौटाला जी किसान हितेशी बनाता पीछे इस्तीफो दे के लोगों पर एहसान जताना चाहता कि मैं किसान हितेशी हाँ, लोग फिर भी मानो साथ दियो दोबारा मन जिता के एमएलए बनाए बा के करो जाके वोट दियो बीजेपी ने फिर बांगा नोर हलकाऊ अभिषेक मटोरिया जी एमएलए को इलेक्शन लड़ियो बड़े जाके बीजेपी की सपोर्ट करी आपन तो बताई बीजेपी किसान विरोधी है मजदूर विरोधी है व्यापारी विरोधी है और आप माना भी हाँ बीजेपी पार्टी किसान विरोधी मजदूर विरोधी व्यापारी विरोधी हर वर्ग विरोधी है लेकिन आपन तो यहाँ के भी आप बीजेपी के खिलाफ रहना आप जाके आपके रिश्तेदार गए खातर कोटियां लगाई बड़े जिताने की कोशिश करी लेकिन लोग आपको फतवो भी जारी कर दिए बड़े कांग्रेस में एमएलए बनाए हुए तो आपने सारा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी मजबूती में चुनाव लड़ना है ईशा मौका बारी बारी कौन मिलेगा आपन 2005 में मिले ईशो मौको और वो मौको हम मिलने लाग रहे सारा संगठित होके आज जो गुप्त गठबंधन कर रखे इनेलो और बीजेपी और अलोपस आगे खुल के कर लियो जो गोपाल कांडा जी किसानों काली भेंट बताता मां खातर इनेलो पीछे जो बाय इलेक्शन हो जो तो आपका आदमी को काला झंडा दिखवाया गोपाल कांडा ने गोविंद कांडा ने और आज एलावाद हल्का हारता थी क्या जब मांगे जाके जोड़ियां बैठ गया लोपा के भी बीजेपी के तो आज ताकत थारी है आज ताकत आपने सारा नहीं है भी माने डर हो रही है यह तो कांग्रेस पार्टी 20-25 हजार के लीड हूँ जितना लाए रही कुकरी रोका तो गुप्त गठबंधन लोगों तक पहुंचाओ लोगों को तो लाग चुके हैं वो गुप्त गठबंधन जो इनेलो और बीजेपी हो रही है डमी कैंडिडेट देने को काम करे और लोग आवाज पहुंचानी है लोगों प्रचार करना है लोगों में बतानी है ये आ लगातार आपने सागे जो ठगी करी है इतने साल भी वो जवाब देने का वक्त आ चुके है बीजेपी ने आपके रिश्तेदार ना लगा रखे है कोई बीजेपी में है कोई कांग्रेस में है और पार्टियां भी नहीं इनेलो में ले तो थे धारा रिश्तेदार ने बीजेपी में बैठे हैं जो अभिषेक पटोरिया जी वहां खातर तो प्रचार करो और मारे पर दाब दो कि कांग्रेस छोड़ दो तो ये बात आप पहुंचा ले सारा संगठित हो गए और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सारे परिवार को सारा परिवार इकट्ठे हुए और आज मैंने एक नई मजबूती मिली है और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और सारा ये खातर आधी रात तैयार कोई काम हुआ था कभी आन पहली भी थाने कोई शिकायत को नहीं आन दी और आगे भी को नहीं आन दिया चौधरी भरत सिंह मैनीवाल जी बैठे हैं संतोष आंटी बैठे हैं और मैं बैठे थाने कोई आज तक आइंदा थाने कोई दिक्कत